हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है NFL की, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट है। देखिए, नाम से आपको पता चल गया होगा मार्केटिंग की बेसिकली ये पोस्ट है, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल है। ओके, उसके एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तो आई डोंट थिंक कि आप किसी का कोई डाउट रहता होगा, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम कहते हैं ना कि जो डोपामिन सिक्रीट होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा इतनी सैलरी मिलने वाली है, और हम उसको कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ IBPS AFO बनेंगे तो इतनी सैलरी मिलेगी या किसी और जॉब में जाएंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रमोशंस का क्या स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे लेटेस्ट सैलरी जो है NFL की, जो प्रेजेंट में NFL में वर्क कर रहे हैं, आपने देखा कि NFL में जो ज्वाइनिंग हुई है लास्ट ईयर अगस्त में हुई है, जो नोटिफिकेशन 2021 में आया था उसकी, तो अभी वो जो MT पोस्ट पे रहते हैं वो वहाँ पे बेसिकली वर्क कर रहे हैं। अगर आप उनकी सैलरी देखेंगे तो बेसिक पे इसमें 40,000 है, नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन किया गया है। DA अगर 44% के हिसाब से जो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का DA इंक्रीज हुआ है, बट क्योंकि ये IDA है, इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस, तो ये अभी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये 17,600 44% की अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। HRA अगर आप 24% इसको कैलकुलेट करते हैं, हालांकि तीनों स्लैब होते हैं आप सभी को पता होगा, 18% की स्लैब में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 2,000-3,000 कम हो जाएगा। पर्क्स 35% के अकॉर्डिंग 14,000, तो ये जो ग्रॉस सैलरी होती है ये 81,200 होती है, और जो नेट सैलरी है आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शंस में आपको पता ही है कि डिडक्शन में जो NPS कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन स्कीम है, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स डिडक्शन है, और बाकी जो जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे होने के बाद अप्रॉक्स जो नेट सैलरी है वो 69,200, मतलब लगभग 70,000 होती है। कह सकते हैं कि जो IBPS AFO है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे पर्क्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिए, वहाँ पे पर्क्स सेपरेटली मिलते हैं। तो ये है लेटेस्ट सैलरी। अब अगर आप वर्किंग कल्चर की बात करेंगे या फिर कैसा यहाँ पे काम है, तो यहाँ पे एक तो क्या होता है, फील्ड में रिक्रूटमेंट होती है, और फील्ड में रिक्रूटमेंट के लिए आप सभी को पता है कि कोई फील्ड में ऑफिसेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कहीं होगा भी तो एक सिंगल ऑफिस होगा, और वहाँ पे MT की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और करना क्या होता है, बेसिकली जितने भी डीलर्स होते हैं उनसे लाइजन करना होता है, डिमांड चेक करनी होती है कितनी डिमांड है, चाहे यूरिया की है, चाहे DAP की है, चाहे MOP की है, और जब रेक आती है, रेक माने जो मालगाड़ी होती है जिसमें यूरिया या फिर जो भी फर्टिलाइजर है वो आता है, तो उसको डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये बेसिक काम फील्ड में रहता है, तो डीलर से लाइजनिंग और डीलर्स के साथ ये सारी चीज़ें करना, ये बेसिक वर्क रहता है MT लेवल पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब बहुत मायने में आप कह सकते हैं कि जैसे IBPS AFO है वहाँ पे रेगुलर ऑफिस है, जहाँ पे कस्टमर भी आ रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की तरफ होती है, और साथ ही साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने, मतलब जो टारगेट्स दिए हैं उनको तो डिलीवर करना ही होता है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा कम रहता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिवली ठीक रहती है जॉब, हालांकि जो हम कहते हैं कि टारगेट्स, क्योंकि देखिए आपको मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टारगेट है कि आपके थ्रू उनको क्या करवाना है। जैसे बैंक में अगर IBPS AFO को रिक्रूट किया है तो मतलब बैंक का टारगेट है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के थ्रू इतना सैंक्शनिंग होनी चाहिए, इतनी NPA रिकवरी होनी चाहिए, तो टारगेट तो बेसिकली दोनों ही जगह रहते हैं। तो दोनों में ओवरऑल में डिफरेंस इतना ही है कि बैंक में आपकी बहुत ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे भी जवाबदेही जिम्मेदारी है बट वैसी नहीं है कि टाइमिंग फिक्स के अकॉर्डिंग। प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है स्टार्टिंग अभी मैनेजमेंट ट्रेनी से होती है, प्रमोट होके एरिया मैनेजर बनते हैं, एरिया मैनेजर बनने के बाद फिर असिस्टेंट एरिया मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट एरिया मैनेजर के बाद मैनेजर पोस्ट यहाँ पे आती है, और उसके बाद आप देखेंगे सीनियर मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, CGM, देन ED डायरेक्टर एंड द CMD। तो ये पूरी हायरार्की है, सिमिलर टू आप बहुत लेवल में देखेंगे बैंक की तरह ही है, बस यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनी और फिर असिस्टेंट एरिया मैनेजर होता है, तो बैंक में यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद सीधे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर। तो ये जनरली क्योंकि IDA है या फिर हम कह सकते हैं कि PSUs का जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का रहता है। और ये हायरार्की इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आप ये सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन कितने साल में होगा, तो हर 3 साल में आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक लेवल आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये इस लेवल से 3 साल लगेंगे आपको
एरिया मैनेजर बनने में, एरिया मैनेजर के बाद फिर नेक्स्ट 3 ईयर में आप मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर क्या सीनियर मैनेजर। तो अगर हम PSUs में देखें, बैंक्स में देखें, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो बैंक और इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें ज़्यादा बेटर चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा है। हाँ, बस डिफरेंस भी यही है कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा हुआ है। तो नो डाउट जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। और इस बार पोस्ट भी ज़्यादा, लास्ट टाइम तो थोड़ी पोस्ट कम थी, बस इस बार एज थोड़ी सी 27 कर दी है, लास्ट टाइम ही 29 थी। एलिजिबिलिटी आप समझ ही गए होंगे तो इसको मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जस्ट ये समझ लीजिए कि MBA होना चाहिए या तो, अदरवाइज BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर, वो भी MSc कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए है, तो वो आप देख लेंगे। अभी आप इसकी काफ़ी डेट है तो आप इसको टाइम पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आपने IFCO AGT का पेपर दिया था सिमिलर पेपर ये भी होगा, बस ये ऑफलाइन OMR बेस्ड पेपर होगा। और पेपर मॉडरेट टू इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, मतलब जैसा IFCO AGT वैसा ये। इसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ये तो AFO का है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका कोर्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उसको उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप इसकी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द NFL सैलरी एंड द ग्रोथ। ग्रोथ भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, बस एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जिसका मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। थैंक यू एवरीवन।